So welcome back to the channel guys, this is Sameer Khan and you are watching Extreme Vlogs. So guys, आज है हमारा 10 जनवरी 2021 और अभी बज रहे हैं 6:58 और ऑफिस से हम जा रहे हैं एक अनऑफिशियल राइड पे। तो अभी पहला पॉइंट हमारा ये है कि हम जाएंगे अभी चाय पीने। अभी बज रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 7 और तो हमने अपनी सारी बाइकें पार्किंग पे लगा रखी है और हमारा जो आज का डेस्टिनेशन है वो है मनगर विलेज जो कि फरीदाबाद GFR रोड पे है। तो अभी हम Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, why can't I get out of this world that I created, fighting the storms in my head, don't know where I have been, I'm alone, no one to turn to, no one understands, shit's too complicated, away, and I feel like I am someone else, away, and I feel like I don't know. I'm drowning my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you. सबसे पहले तू रहेगा, सबसे पहले पीछे मैं रहूंगा, ठीक है? किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो ज्यादा पीछे मत रहना, फिर मुझे बार-बार। हाँ हाँ मैं समझ गया, एक मेंटेन कर लेना भाई, सारे एक दूसरे को भाई सारे एक दूसरे को मेंटेन कर लेना, ठीक है? क्या हुआ? क्या हो गया? लग गई क्या? तो वापिस आते टाइम ना खाएं, खाना है कुछ या राइड करें? राइड करना है या खाना है? राइड कर लें, वापस आते टाइम खा लेंगे, रिलैक्स होके खा के सब अपने अपने घर चले जाएंगे। अब ये बता, अब वहाँ चलते हम? हाँ लोकेशन मैं लगा रहा हूँ। मंगल काफी दूर है, मैंने ना इन सब स्कूटी वाले को भी कोप किया, बहुत पीछे थे, बहुत पीछे, फिर मैंने इनको आगे जान दिया। किसको दे देंगे साकिब को अगर चला रहा है तो? स्कूटी कौन चला रहा है? A few moments later. So guys, हम घुस चुके हैं मनगर विलेज में और हमारे तीन साथी हैं वो आगे निकल चुके हैं, तो उन्हीं को मिलके फोन मिलाया जा रहा है और अब हम इस मनगर विलेज का थोड़ा सा सीनरिक व्यू लेंगे। आप देख सकते हो यार साइड में कि थोड़ा सा जंगल टाइप दिख रहा है और अभी हम एंटर ही हुए हैं बिल्कुल। और ये मेरा दोस्त, ये देखो मेरी व्लॉगिंग को डिस्टर्ब करते हुए, रिदम तोड़ते हुए। और ये हमारा मॉडल, और ये हमारे क्या थोड़ा सा हेल्दी मॉडल, ये थोड़ा सा हेल्दी मॉडल। अभी तक का सफर बहुत अच्छा रहा। एक जो लोग नए पहली बार आए हैं राइड के लिए, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, उनको भी बहुत पसंद आया। और तो यही है कि ठंड बहुत ज़्यादा है। शुक्र है कि मैंने अभी रिसेंटली ये ग्लव्स लिए थे तो इसकी वजह से मैं बच गया। बाकी जिनों के पास ग्लव्स नहीं है उनको पता है कि भाई उनका क्या हाल हो रखा है। एक्चुअली हमें जाना था, हमारे सारे दोस्त जा चुके हैं यहाँ से सीधा और हमें इस वाले कट से घुसना था अंदर। ये लगा है ये बोर्ड और ये है मनगर विलेज का बोर्ड और यहीं से अंदर घुसना था, बट वो चले गए थोड़ा सा आगे, तो हमने फ़ोन किया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये देखो क्रूज फुल टू मॉडिफाइड, ओ माय गॉड,
ये मित्सुबिशी होंडा सिटी। Later. So guys, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम गांव के अंदर में एंटर हो चुके हैं। बीच रोड है और वन वे है ये। यार क्या ऑसम व्यू है यार, देखो राइट साइड में, देखो आप सॉरी लेफ्ट साइड में देख सकते हो आप, ये लेफ्ट राइट साइड में देख सकते हो, क्या अमेजिंग व्यू है यार। फोटोग्राफी करनी हो तो यार ये स्पॉट एक नंबर का है। और यहाँ पे यार थोड़ा सा केयरफुल होके चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये ट्रक आते हैं तो इसके वजह से थोड़ा सा रोड पे स्पेस कम पड़ता है, तो वो एक चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली है। अदरवाइज़ अगर आप साइड में देखते रहोगे तो चांसेस आर कि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं, यहाँ पे साइकिलिंग स्पॉट्स हैं। ओए क्या व्यू है यार, ये देखो ये है स्पॉट्स। ये यहाँ का व्यू है कुछ ऐसा, पहाड़ी ही पहाड़ी है और ऊपर से पूरा का पूरा सारा कुछ। अभी हम यहाँ से यहाँ जाते हुए दिखेंगे, तो ये है पूरा का पूरा सीनिक व्यू। और ये देख सकते हो यार, अभी हम जो ये रास्ता है ना, ये वाला रास्ता, यहाँ से हम होते हुए पूरा नीचे उतरेंगे और ये पूरा का पूरा सारा का सारा जो विलेज है ये पूरा दिख रहा है। पहाड़ी के ऊपर में है ये और आप देख सकते हो क्या व्यू है यार। यहाँ जा रहे हैं यहाँ से नीचे लेक देखने और बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम ढलान है तो बहुत ही केयरफुल होके हमें चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये देख सकते हो यार कितना ज़्यादा ढलान है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होके चलना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर अनबैलेंस हुआ तो गड़बड़ हो सकती है। आई कांट इवन टेल यू कितना ज़्यादा ढलान है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट ढलान है। मतलब शुक्र है यहाँ पे ग्रेवल्स नहीं है, अदरवाइज बाइक फिसलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होंगे यहाँ पे। तो अभी हमें इसी वाले रास्ते को पकड़ना है और लेफ्ट नहीं जाना, हमें राइट साइड जाना है। राइट साइड जाना ना, हाँ। A few moments later. जिस लेक की जो बात कर रहे थे वो ये वाला लेक है, और मतलब लेक भी नहीं है यार, ये नॉर्मल एक पानी इकट्ठा हो जाता है, आई डोंट नो क्या कहेंगे इसको एग्जैक्टली, बट यहाँ पे थोड़ा सा घर है और ये पूरा का पूरा पहाड़ी वाला इलाका टाइप है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा। और एक और है, आई डोंट नो वो कहाँ पे, अभी शायद हम हो सके जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो सीधा यहाँ से घर को निकल जाएंगे। तो ये आ गया हमारा स्टॉप, यहाँ पे हम थोड़ा सा खाएंगे। हाँ भाई, अब जो अपनी अपनी बाइक पे आता है वैसे चलेंगे अपना। तो ये आ चुका हमारे भूपी और साथ में है हमारे प्रतीक भाई, ये हमारे सारे खिलाड़ी आ चुके हैं, सारे राइडर आ चुके हैं। ये देख सकते हो दो दिखा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता ये होता क्या है, ये दो आज तक, पर मैं भी कर देता हूँ दो, ये लो, कोई दिक्कत नहीं अपने को, जो उसको चलाना है चलाएगा। और अब चला रहा है मेरी बाइक और मैं चला रहा हूँ उसकी बाइक। तो हम चलते हैं, यहाँ पे हमने कुछ खाया नहीं क्योंकि खाने के लिए कुछ था नहीं, सबका मतलब मेजॉरिटी कंसर्न लिया हमने, तो मतलब उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे नहीं खाना। एंड ओह, मैं भूल चुका था अपने ग्लव्स। ओके, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठंड अच्छी खासी है, वैसे इतनी ज़्यादा भी नहीं है बट स्टिल, सर हाँ बट स्टिल इतनी है कि अगर मैंने इसको मजाक में लिया तो मतलब अच्छा खासा काम धाम कर देगी। हाँ, तो अब चलते हैं, हम जैसे आए थे उसी तरीके से हम ऊपर चलते हैं। सो दिस बाइक इज़ यार वन ऑफ माय फेवरेट बाइक, इसको मैं जनरली पॉकेट रॉकेट कहता हूँ क्योंकि ये अपने बजट सेगमेंट में बहुत ही अच्छी बाइक है, एंड आई रियली लव दिस बाइक।
एंड सबसे बड़ी बात इसका जो सस्पेंशन है यार सुपर एक्सट्रीमली ऑसम। यूएसडी थोड़ा सा स्टिफ होता है तो अभी एट अ टाइम मुझे अपनी बाइक थोड़ी सी ज़्यादा स्टिफ लग रही है, बट उसका अपना अलग मज़ा है, इसका अपना अलग मज़ा है। ये है पॉकेट रॉकेट 150 सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास। ओ कुत्ता भाई क्या कर रहे हो यार, हम वापस अपने उसी रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे एंड कुछ भी नहीं, अभी लगी है बहुत जोर की भूख और कुछ खाते हैं यार। ओके यार सस्पेंशन इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट, मज़ा आ रहा है। और ये आगे बिल्कुल एकदम स्टिफ वाली चढ़ाई, तो यहाँ पे हमें केयरफुल होके चढ़ाना पड़ेगा। बाइक बंद हुई तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, और ऊपर से गाड़ियाँ भी आ रही है तो वो भी देखना पड़ेगा। दूसरे गियर में मतलब चढ़ रही है, दिस इज रियली सो स्टिफ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो यहाँ ये मोहतरमाएं लेट रही हैं। नहीं मतलब अभी तक तो कुछ देर पहले बहुत मजे आ रहे थे आपको, ये ऐसी दुर्दशा कैसी हो गई? बस आपकी वजह से हुई है। हमने ऐसा क्या किया भाई? आप बाइक ही दौड़ाते हो। बाइक ही तो दौड़ाया था, तुम्हें थोड़ी दौड़ाया था। तो आप पीछे तो बैठे थे। वैसे मजा आया आज? यस, उत्तराखंड से यहाँ दिल्ली में आके इस जीएफआर रोड बोलते हैं इसको, जीएफआर रोड, यस, काफी अच्छा लगा यहाँ पे आके। मजा आया, बाइक्स बहुत सारी देखने को मिली, बहुत सारी बाइक्स, स्पोर्ट्स बाइक्स, सुपर बाइक्स, आई वुड से मजा आ गया ना, मजा आ गया। फर्स्ट टाइम बैठा 155 में, भाई फट के हाथ में आ गए, मत पूछो मेरे से, बहुत मजा आया, एंजॉयड अ लॉट गाइस, एक्सपीरियंस था, मजा आ गया। समीर एंड सौरभ हमारे गाइड थे जिन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया हमें, थैंक्स अ लॉट बोथ ऑफ यू। मजा आया ना आज के दिन? बहुत मजा आया और बहुत एंजॉय किया, मजा आया। फर्स्ट टाइम राइड थी ना, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा? मजा आया साहिल भाई, मजा आया। But next time I want something best. इससे भी अच्छा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम वहाँ चलते हैं यार, जयपुर, जयपुर, नेक्स्ट टाइम जयपुर चलेंगे। मजा आया आज के दिन भाई? अच्छा था, बहुत बढ़िया था, मजा आया। नेक्स्ट संडे चलेगा? नेक्स्ट संडे दूसरा जगह लेके जाएंगे, नेक्स्ट संडे मूर्छल चलेंगे। अगर नहीं हुआ ना, पास में एक मानेसर से पहले वहाँ पे चलना। अभी अभी बस ये है कि यार अब यहाँ से हम अपना खाना खाएंगे, सभी अपने अपने अलग डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो यार आज की वीडियो अगर किसी भी रीजन से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड। बाय बाय।